कुछ कहना चाहेंगे? जीत हुई है, सर्टिफिकेट ले आए हैं, कितने वोटों से जीता जी? मैं सबसे पहले करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। उन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है, मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूँ। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ सबका विकास, सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी जो सोच है कि हर व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचे, विकास कार्य पहुंचे, चाहे युवा है, किसान है, गरीब है, महिला है, हर वर्ग को एक योजनाबद्ध तरीके से उनका विकास करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है। और मिलकर के हम हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 400 पार में कहां कमी रह गई? 400 पार में कहां कमी रह गई? देखिए, अभी शाम तक रिजल्ट आ रहे हैं, लगभग 295 के करीब वो सीटें आ रही हैं, और भी उसके अंदर सीटें बढ़ेंगी जो जो रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, और ये आंकड़ा 300 के पार जाएगा। क्या विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं, इसके कारण जो अभी फिलहाल स्थिति बनी है? कोई स्थिति नहीं बनी है, कांग्रेस का अपने समय के ऊपर चुनाव होंगे, कोई स्थिति नहीं बनी। और मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश और प्रदेश की लोगों की सेवा ईमानदारी से की है, आगे भी करने का कार्य मजबूती से करेंगे। ग्यारह में से छह सीटें आधी हो गई हैं, कहां पर आपको लगता है कमी हुई? नहीं देखिए, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों को मैं बधाई भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र में अपना इतनी गर्मी में बहुमत दिया, निर्णय लोगों का होता है, और उसके ऊपर क्योंकि कहीं कोई अगर कमी रही होगी तो जरूर उसके ऊपर विचार होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि ईमानदारी से मैंने कहा है कि मोदी सरकार ने और मनोहर लाल जी ने भी देश और प्रदेश की सेवा की है, इस सेवा के कार्य को और मजबूती से आगे बढ़ाने का काम लगातार अब जिम्मेवारी मेरी है, हमारी सरकार ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी, और उसके ऊपर भी चर्चा होगी, विचार होगा। सर, अम्बाला से भी लगातार कांग्रेस आगे चल रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? अभी शाम तक मैंने कहा है कि रिजल्ट और बदल रहे हैं, और जो जो रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसके अंदर सामने आएंगे। आपको लगता है बीजेपी में भी गर्भगात हुआ, जिसके कारण राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर वाली हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से खड़े होकर के काम किया है, इसी प्रकार का कोई भीतरघात का विषय नहीं है, और आगे भी क्योंकि जब ये 4 महीने के बाद चुनाव होगा, मैं बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इसमें और मजबूती से लोगों के बीच में जा करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो लोग इस प्रदेश के अंदर बनाएंगे, बड़े मैंडेट। 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें आई थी, क्या लगता है हरियाणा में कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास कम हुआ है, जो 5-5 का अभी तक जो है गिनती, 5 सीटों पर बीजेपी आ गया और 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है? नहीं देखिए, ये नहीं है, कांग्रेस ने झूठ का सहारा लिया है और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम किया। देखिए, अगर झूठ बोलते हैं, एक झूठ बोल दिया कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने,
संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। ये कांग्रेस ने बड़ा झूठ लोगों के बीच में बोल करके उनको गुमराह किया है। और फिर राहुल गांधी ने एक और झूठ बोल दिया कि हम अगर वोट देंगे 1-1 लाख रुपया खाते में डाल देंगे। एक और फिर झूठ बोल दिया, कहने लगा कि अगर मुझे वोट देंगे एक झटके में गरीबी को समाप्त कर दूंगा। लोग कहीं ना कहीं जब कोई झूठ इस प्रकार का बोलते हैं तो कुछ लोग उसके भाव में आ जाते हैं, भाव में आकर के वो रास्ता बदल जाते हैं। और आने वाले इस समय के अंदर हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश के लोगों की जिस प्रकार से पीछे सेवा की है और गति से उनकी सेवा करने का काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को दिक्कत परेशानी ना आए उसको सुनिश्चित। आप कहते थे बेटा हारेगा बेटा हारेगा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जीत गए। मैंने कहा है ना कि झूठ बोल करके लोगों को बरगलाया है। संविधान खत्म हो जाएगा, गरीब लोगों के बीच में इस सरकार की अफवाह फैला दी गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ये बोला कि हम 1-1 लाख रुपए डाल देंगे। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, जब बोलने के लिए कुछ नहीं तो उनके पास झूठ था, वो परोसने का। पंजाब में शायद खाता भी नहीं खोला, खाता भी नहीं खोल पाई सर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कहा है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार का झूठ फैलाया है इसका असर कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर पड़ा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का दुष्प्रचार ये कांग्रेस के द्वारा किया गया है, और कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोगों को बरगड़ा करके वोट लेने का काम करती है, परंतु उनके हित के अंदर उन्होंने ना पीछे काम किए हैं ना आगे करेंगे।